लीजिए दोस्तों, ठंडियों के मौसम में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कसूरी मेथी बनाने की विधि। दोस्तों, मार्केट में कसूरी मेथी 25 से 30 रुपए प्रति 100 ग्राम मिल जाती है, लेकिन ठंडियों के मौसम में मेथी आपको इजीली अवेलेबल होता है। जब मेथी सस्ती हो जाए तो उस समय आप मेथी को लेकर इसे इजीली घर में बना सकते हैं। ये सालों तक खराब नहीं होता, बस इसे आप 4-6 महीने पे धूप दिखाते रहिए और एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, कसूरी मेथी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों, मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कसूरी मेथी बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए आपको यूज करना है हरी पत्तेदार मेथी। सबसे पहले मेथी को अच्छी तरीके से 5-6 पानी का धुल लेंगे ताकि इसकी मिट्टी जो रहती है वो निकल जाए। हमने ये जो मेथी लिया है ये बहुत ही सॉफ्ट है, मार्केट में जो आता है ज्यादातर वो कड़ा होता है, तो उसे आप इजीली निकाल सकते हैं उसकी पत्तियां, लेकिन इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब इसकी पत्तियों को अलग करेंगे एक एक करके। चलिए दोस्तों, इन मेथी की पत्तियों को अलग कर लेते हैं। ये देख पा रहे हैं, एक एक पत्तियां अलग कर लीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कसूरी मेथी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। इनकी पत्तियों को आपको निकालना है। ये जड़ें हमारी थोड़ी सॉफ्ट हैं, इस वजह से हम इनको दूसरी टाइप से नहीं निकाल पा रहे हैं। वैसे इसे निकालने का बहुत ही इजी तरीका है कि आप इनको डायरेक्ट इस तरीके से करके खींच लें तो भी निकल आती हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होने की वजह से नहीं निकल पा रही हैं। इनमें डंडी ना रहे, ये डंठल जो है इसमें आ रहे हैं। एक एक पत्तियों को अलग कर लीजिए अच्छी तरीके से। देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से पत्तियों को अलग कर लिया है। इसी तरीके से सारी पत्तियों को निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन पत्तियों को इस तरीके से निकालने के बाद इनको बारीक काट लीजिए। अब इन पत्तियों को आप जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक इसे काट लो। ये देखिए, इसको हम काटना शुरू करते हैं। छोटे छोटे रहेंगे तो ये ज्यादा अच्छे रहेंगे, जो क्रस्ट करते हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से पकड़ के दो दो तीन तीन बार का कट कर लेंगे बारीक। खड़ी पत्तियां सुखाने से अच्छा है आप इन्हें इस तरीके से काट कर सुखाएं। ये जो थोड़े बड़े बड़े हैं इनको भी थोड़ा पकड़ के कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से सारी पत्तियों को एकदम बारीक कट कर लीजिए। जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको हटा देते हैं। ये देख पा रहे हैं, सभी पत्तियों को छोटा छोटा कट कर लिए हैं। इसी तरीके से सभी पत्तियों को काट लीजिए। सभी पत्तियों को बारीक काटने के बाद अब इसे आप किसी ट्रे या थाली में फैला दीजिए और इसे एक दिन की धूप दिखा दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाएं। इसे अच्छी तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है, वरना इसमें कीड़े लग सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हो। दो दो चार चार महीने पे आप इसे एक दो बार धूप दिखा दीजिए, ये पत्तियां आपकी साल भर तक चलेंगी। इस तरीके से अब हम इन्हें धूप में रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाएं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मेथी की छटाई व कटाई से पहले इसे 5-6 पानी का अच्छी तरीके से धुल लीजिएगा। उसके बाद ही इसे आप छांट कर कट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी काफी ज्यादा होती है। तो हमने इसे बारीक कट कर लिया है। अब इसे धूप में रख देते हैं ताकि अच्छी तरीके से सूख जाएं।
उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेथी की पत्तियां अच्छी तरीके से सूख चुकी हैं। हमने इसे एक दिन धूप में रखा हुआ था। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये कसूरी मेथी बनकर तैयार है। दोस्तों, ठंडियों के मौसम में मेथी मिलता है, आप इसे इजली मेथी से घर में बना सकते हो और इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हो। इसे आप साल भर में 4-6 बार कड़ी धूप लगा दीजिए, ये खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम हर सैटरडे एंड वेडनेसडे को आपके लिए एक नई रेसिपी व होम रेमेडीज लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कसूरी मेथी बनाने की मेथड कैसा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय। Body's high.